दोस्तों इस वीडियो में जो कवर करने वाले के एसीए T20 का कप का जो कि मैच खेला जाएगा, आप देखो डे ऑफ डे का फर्स्ट मैच और सीरीज का ना ये थर्ड मैच है। और ये मैच ना अभी स्टार्टिंग के, तो कोशिश करना कम अमाउंट इन्वेस्ट करें। सभी टीम्स के अगर एक दो मैचेस हो जाएंगे तो आप ना अमाउंट बढ़ा सकते हो, अभी कम ही अमाउंट इन्वेस्ट करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। लेकिन फाइनल टीम के लिए ऐसे मैचेस कुछ भी चेंजेस हो तो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आपको फाइनल स्मॉली टीम शेयर कर दूंगा, ग्रैली टीम शेयर कर दूंगा डेड लाइन से 15 मिनट पहले। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक का कमेंट बॉक्स पिन कर दूँ, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक 100% काम करता है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ और कमेंट बॉक्स पिन भी कर दूँगा। मेरी बात हो ना, आप कमेंट सेक्शन के लिंक से आ जाना, लिंक 100% काम करता है। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार में जाना, सर्च करना बिना स्पेस देके F11 टीम लिखो ना, बिना स्पेस देके तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे करीब 41,500 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर, जहाँ पर डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड कर देता हूँ डेडलाइन से 15 मिनट पहले, ठीक है। कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड कर देता हूँ डेडलाइन से 15 मिनट पहले। ऑफिशियल ज्वाइन करना, फ्रॉड लोगों से दूर रहना, ठीक है। ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू। दोस्तों ये ना थर्ड मैच खेला जाएगा इस सीरीज का, वेन्यू वगैरह बता देता हूँ आपको फटाफट से। देखो इस मैच का जो डेडलाइन है 3 बजे डेडलाइन, एग्जैक्टली 2:30 पे आपको एक्टिव रहना है, 2:30 पे। और ये मैच आपको बता दूँ, मैच खेला जाएगा, वेन्यू है ये मैच मैसेर में खेला जाएगा, ठीक है। और ये मैच का जो डेडलाइन है 3 बजे डेडलाइन है, और लाइव फैन कोर्ट पे देख सकते हो। एंड बात करते हैं लाइव, अब बात करते हैं पिची पोर्ट। 200 जो विकेट है, ये जो विकेट है आप देखोगे तो इस विकेट पे जो अराउंड स्कोर बनता है ना फर्स्ट इनिंग में, चेसिंग भी काफ़ी ईजिली हो जाता है, लेकिन जो फर्स्ट इनिंग स्कोर बनता है 165 से लेके 185 तक इसी विकेट पर ईजिली बन जाते हैं। मान के चलिए एक ठीक ठाक विकेट है बैटिंग के लिए, तो आप मान के चलते थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली, आप मान के चल सकते हो, बस थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सबसे पहले बेंगलुरु ब्लास्टर्स का, चूँकि लाइनअप सोनी चाहिए, बैटिंग ऑर्डर आपको टेलिंग पे दे दूंगा। मयंक अग्रवाल कैप्टनसी करें टीम से, ओपन करेंगे टीम से जगदीश सुजीत, जो कि टीम से काफ़ी अच्छे बॉलर है टीम में, तरह से अजोत पन्ने पर बैटिंग भी काफ़ी अच्छे कर लेते। उसके अनुराधा जोशी जो कि खेलता जब आ जाएंगे, टी प्रदीप उसके लसिफ कुमार जो कि खेलते जब आ जाएंगे, ऋषि वोपाना खेलते जब आ जाएंगे टीम में, दस से एल आर चटेना खेलते जब आ जाएंगे, रोनित मोर उसके सूरज आरुजा खेलते जब आ जाएंगे टीम में, दस से संतोष सिंह उसके क्रांति कुमार। तो ये दोस्तों ये है बेंगलुरु ब्लास्टर्स का, तो ये है बेंगलुरु ब्लास्टर्स का। एंड बात करते हैं GMY का, जो कि होनी चाहिए, ओपन करेंगे टीम के कैप्टन मनीष पांडे, ओपन करेंगे देवदूत पाटिकल के साथ, ओपन करेंगे CA कार्तिक वर्नर बैटिंग करेगी टीम में, से मनोज वंदेजे जो टीम में से फोन बैटिंग करे, कृतिक कृष्ण जो कि टीम से फिर बैटिंग करेंगे, अभिलाष सेट्टी जो कि सिग्ना बैटिंग करेंगे, रितेश भाटिकल मोहित बीए और उसके अलावा टीम में से कुशल वधवानी खेलते रहने आपके टीम में, से उसके अलावा टीम में से धनुष गवाटा खेलते हैं आज के टीम में, तरह से और उसके लटी से प्रणव भाटिया खेलते हैं जब वो आ जाए। तो ये दोस्तों आप देख लो मैस्ट्रिक्स का लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर, आप मान के चल सकते हो कि यही बैटिंग ऑर्डर होनी चाहिए। मनीष पांडे ओपन करेंगे देवदूत पाटिकल के साथ, ओपन करेंगे CA कार्तिक भी एक ओपनर टीम में, तरह तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं टॉपिक, तो जगदेश सुचित इंपॉर्टेंट पिक टीम में, तरह से बॉलिंग ऑलराउंडर है, जबरदस्त आपको ना बॉलिंग से मतलब कि पॉइंट्स लेके जा सकते हैं, साथ से बैटिंग जो उत्पन्न पर ठीक ठाक कर लेते हैं। हालांकि मैं बैटिंग से होप करने के लिए मना ही करूँगा, बॉलिंग से होप जरूर से कर सकते हो, 1 से 2 विकेट एक मस्ट पिक होनी चाहिए, आप उनको पिक करके चलिएगा। मयंक अग्रवाल जो कि टीम से कैप्टनशिप करे, एक ओपनिंग बैट्समैन है, जरूर से पिक करके चलना। हालांकि करंटली उतना अच्छा फॉर्म में तो नहीं चल रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक जरूर से होनी चाहिए, कैप्टनशिप करे, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं टीम उधर से, हर कोई जानता है टीम उधर। आप देखोगे तो इन्हें अभी तक 4,139 स्कोर कर चुके हैं टीम की तरफ से, ठीक मस्ट पिक होनी चाहिए आप देखोगे तो। एंड उसके अलावा 177 मैचेस स्कोर की थी 177 मैचेस में। एंड बात करते हैं इनके टीम से मनीष पांडे और साथ से देवदूत पाटिकल, दोनों टीम से मस्ट पिक होनी चाहिए। मनीष पांडे एक टीम की तरफ से मस्ट पिक हो गए और देवदूत पाटिकल लेफ्ट हैंड बैट्समैन एक मस्ट पिक होनी चाहिए। बाकी जो अपडेट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर से इन्फॉर्म करता हूँ, फाइनल टीम 11 टेलीग्राम जहाँ पे एक्टिव रहना, जहाँ पे कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर भी शेयर कर दूंगा, लाइनअप वगैरह फाइन स्मॉली टीम डेडलाइन से 15 मिनट पहले शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, 41,500 से ज़्यादा लोग हैं दोस्तों। अब बात करते प्लेयर वाइज सैनिक, बाकी देखो एक और मैच है जो कि एक नई सीरीज़ है, आप मुझे कमेंट करते किस सीरीज़ कवर करें, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर आप लोगों ने हाँ ये मैच कवर करते तो मैं जरूर से कवर करूँगा, फिलहाल किस मैच फोकस करते हैं, ये मैच काफ़ी अच्छा रहते हैं। और कल से ना एक मिनट, ये वाला मैच है ना, ये वाला मैचेस भी कवर करें, जो ये आपको दिख रहा है ना ये वुमेन मैचेस, ये भी कवर करेंगे। बहुत एफर्ट लगता है यार, बट फिर भी कवर तो करूँगा ही, रात में मैच और रात को भी ऑनलाइन रहता हूँ, ये आप भी जानते हो, क्योंकि मेरा वीडियो का टाइम रहता है, उसी समय शायद 3 बजे समय का डेडलाइन है।
बात करें विकेट कीपर से लेकर, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर, जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो को जूस लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब बेल को ऑन के ऑल पर से आने वाले वीडियो से सबसे पहले नोटिफिकेशन। बात करें विकेट कीपर से, देखो लॉजिकली समझाऊंगा, पीछे आपको बता चुका बैटिंग पैड लिया है मैंने, आपको बोला तो 165 रन से लेकर ना 185 रन इस विकेट पर इजीली बन जाते हैं, यानी कि पिच थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली मान के चल सकते हो। विकेट कीपर से है कैसे, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेटिंग से आप इनके साथ जाओ या फिर के कृष्णा के साथ जा सकते हो। ऐसे हो जाए भी इस मैच के लिए अवेलेबल है, तीनों विकेट कीपर अवेलेबल है। और फाइनल टीम में हो सकता है के कृष्णा के साथ जाओ, लेकिन फिर फिलहाल के लिए जा रहा अभी के लिए फिलहाल के लिए ठीक है के एल श्रीज जाता हूँ। अगर श्रीजीत नहीं खेलेंगे तो फाइनल टीम में ड्रॉप कर देंगे, लेकिन अभी के लिए जा रहे हो। उसके लिए बैटिंग से मयंक अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, देवदूत पटिकल इंपॉर्टेंट है, मनीष पांडे इंपॉर्टेंट है, ये जोशी भी काफ़ी अच्छे प्लेयर। उसके अलावा नीचे थोड़ा स्कूल डाउन करोगे तो देखने को मिलेगा आपको कुछ खास प्लेयर नहीं, सिवाय मोहित भी अवेलेबल है टीम इधर से। उसके अलावा ए जोशी भी अवेलेबल, मैं टॉप थ्री के ले रहा हूँ जो कि टॉप थ्री इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जय सचित इंपॉर्टेंट है, आर वेटिकल इंपॉर्टेंट है, सी कार्तिक इंपॉर्टेंट है टीम उधर से। मस्ट अपिक होनी चाहिए आपके लिए, आप इनको गारंटी टीम सीबीसी रोटेट कर लीजिएगा, मस्ट अपिक होनी चाहिए। उसके अलावा एम एंडे के भी अवेलेबल है, नीचे थोड़ा स्कोल डाउन करोगे तो आर वो पाना जो किस मैच के लिए अवेलेबल है, कवर करके 8 में काफ़ी आपको अच्छा प्लेयर आपको देखने को मिलता है अवेलेबल इस मैच के लिए। उसके अलावा बॉलिंग सीजन से टी प्रतीप जो कि इनके मेन बॉलर है, कवर करके चलेगा। एस एटी भी अवेलेबल है, आर मोर भी अवेलेबल है, नीचे पहले देख लेते अच्छा ऑप्शन कहीं वो ना बच जाए तो हाँ संतोष सिंह अवेलेबल इस मैच के, तब संतोष सिंह के साथ भी जा सकते हो, ये भी काफ़ी सही है ठीक है, तो आप इनके साथ जा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ आर मोड के साथ, देखते हैं टीम से ठीक ठाक पिक होनी चाहिए। रॉनी मोड के साथ जाओ या फिर मेरा मन कह रहा है ना फिलहाल के लिए जाने के लिए अपना कुशल वादे जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर है, मैं अगले आर मोड के साथ जा रहा हूँ। ओवरऑल मेरी टीम में जो जिससे स्मॉली खेलें आप जा सकते हो ठीक है। हालांकि देखो इसी में आपको पता है मैं सेफ तो खेलूंगा नहीं, अभी डेमो टीम दे रहा हूँ कि हाँ इस टीम में से जाके कॉन्टेस्ट बुक कर लो। आफ्टर कंफर्म बैटिंग ऑर्डर आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, उसके बाद मैं आपको ना मेरे जो ट्रम्प कार्ड पेयर से आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी फिलहाल इस टीम के से जाके कॉन्टेस्ट आपको बुक करना है, ऐसा मुझे कोई क्रिएट इशूज तो नहीं पड़ा है, बट हाँ 0.5 के तो आप कुछ भी चेंजेस में कर सकता हूँ। विकेट कीपर में ट्रम्प कार्ड यूज़ कर सकता हूँ इनकी जगह पे। कैप्टन विकेप्टन बात करें जो सबसे बेटर ऑप्शन है चाहिए मेरे नज़र 3-4 सबसे बेटर ऑप्शन, पहला देवदूत पाटिकल, मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे, जय सचित और उसके लिए सी ए कार्तिक। ये 4-5 ऐसे ऑप्शन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो अपना सीबीसी। हैज ए कैप्टन मैं प्रिफर करूँगा देवदूत पाटिकल, हैज ए कैप्टन जाओ जो कि करंटली ठीक ठाक फॉर्म में चल, एकदम ये नहीं बोल रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में चल रहे, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे, एवरेज फॉर्म में है। और वाइस कैप्टन आप जा सकते हो मनीष पांडे के साथ, ये भी मयंक अग्रवाल के साथ जा सकते हो। मनीष पांडे के साथ यही फायदा रहेगा कि कैप्टनसी कर रहे बंदा टीम से मस्ट अप होनी चाहिए, आप इनके साथ सीबीसी जा सकते हो। ये मुझे काफ़ी पसंद है मनीष पांडे जो अपना सीबीसी करंटली फॉर्म में चल रहे। वाइस कैप्टन मयंक अग्रवाल के साथ जो कि थोड़ा सा इनका फॉर्म भी थोड़ा सा डाउन ही चल रहा है, बट फिर मैं अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ क्योंकि पीछे थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली तो इन दोनों को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि दो टीम दस ओपनर्स है तो दोनों को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इस विकेट पे, इसलिए अपना जा रहा है अपना वाइस कैप्टन। फिलहाल के लिए सेम टीम के साथ जाओ क्वांटस को बुक करने ठीक है। तो दोस्तों ये थी मैं स्मॉल ही खेलूंगा, बाकी ग्रैंड टीम में सी ए कार्तिक को साथ ही साथ जय सचित को भी आप सी बी से अपना रोटेट कर सकते हो, जैसे जो प्लेयर है ना जय सचित और साथ ही साथ सी ए कार्तिक, सी आरती का आप कैप्टन और इनको वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो ग्रैली टीम में। और साथ ही साथ मनीष पांडे और साथ ही साथ अपनी टीम में ना ग्रैली टीम में मैं कह रहा हूँ आप सी बी सी रोटेट कर सकते हो, इन दोनों को भी रोटेट कर सकते हो आपस में, ये काफ़ी सही रहेंगे। सेम टीम के साथ जाओ इन्वेस्टमेंट की जो टीम है आप हेड टू हेड से लेकर 10 मेंबर्स तक के कॉन्टेस्ट को बुक कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा 3 मेंबर ज़्यादा खेलो 3 मेंबर्स, हालांकि स्टार्टिंग मैचेस को कोशिश करना कि कम से कम अमाउंट इन्वेस्ट करें कम से कम ठीक है। अभी कम अमाउंट इन्वेस्ट करो, सभी टीम्स के 1-2 मैचेस हो जाएंगे ना तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगा बैटिंग ऑर्डर वगैरह में, और साथ ही साथ पावर प्ले का आपको पता चल जाएगा कि कौन न्यू बॉल से स्टार्ट करते हैं, कौन देते हैं बॉलिंग करते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, कोशिश करना कम अमाउंट अभी इन्वेस्ट करें। तो सेम टीम के साथ जाओ, कोई चेंजेस हो तो टेलीग्राम पर सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। तो फाइनल टीम के लिए और फाइनल अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव रहना ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, एंड आप भी सेम टीम के साथ जाओ इन्वेस्टमेंट करने, कोई चेंजेस हो तो टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा। सेम टीम से जाओ, मैं हो सकता है पाइन टीम में सी बी सी स्वाइप कर दूँ, वो था सिलेक्ट डिफरेंशियल ट्रम्प कार्ड है क्योंकि थर्स पिच बैटिंग फ्रेंडली है, तो उसी हिसाब से अपडेट की टीम भी बनानी पड़ेगी ठीक है। तो सेम टीम से जाओ, कोई चेंजेस टेलिंग पर अपडेट करूँगा। तो फाइन टीम के लिए अपने टेलिंग पर एक्टिव रहना और एक्टिव रहना टेलिंग पर, आपको फाइन स्मॉली टीम भी सेंड कर, ग्रैंड टीम भी सेंड कर, डिटेल्स बनने में ठीक है। तो ऑफिशियल टेलिंग से जूस ज्वाइन कर लेना, 41,500 से ज़्यादा लोग हैं, मिलता है टेलिंग पर एक्टिव रहना ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखकर कमेंट बॉक्स पिन कर दूँगा, उसके थ्रू आ जाना।